Hello everyone. I will teach you subject maths. We will start sums of add. आज हम करेंगे टू डिजिट सम्स. सम्स ऑफ एड में हम क्या करेंगे? टू डिजिट सम्स. हमारा है सम्स ऑफ एड टू डिजिट. और विदाउट लाइन्स हमें क्या करना है बेटा? फिंगर पे काउंट करना है. बेटा हम जब सम्स करेंगे हम विदाउट लाइन्स के करेंगे. हम अपनी फिंगर यूज करेंगे. आप ध्यान से देखना जो आपको सम्स करवाया जाए. आपने घर पे भी जो प्रैक्टिस करनी है वो आप फिंगर पे ही करोगे. लाइन्स किसी ने यूज नहीं करनी. फर्स्ट डिजिट है बेटा 5 3 1, 6 2 4 3, 2 4 3 5, 5 6, 5. पहले आप देखोगे कि आपको कैसे बताया जा रहा है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो. देखो बेटा, सबसे पहले हम ये वाली डिजिट स्टार्ट करें, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं होती. तो पहले फर्स्ट डिजिट वंस वाली, फिर टेंस वाली करते हैं. तो हमारी फर्स्ट डिजिट में क्या दे रखा है? हाउ मेनी नंबर? 3. क्या करना है? अपना थम यूज करना, अपना हैंड और थम यूज करना है. और शॉर्ट फिंगर हमें स्टार्ट करना है. शॉर्ट फिंगर से स्टार्ट होगा, थम हमने यूज करना है और हैंड पे लाइन्स हमारी शो. ओके बेटा, क्लियर ही बात? हमारे नंबर है 3. थंब जो है हमें यूज करना है, शॉर्ट फिंगर हमें स्टार्ट करना है. शॉर्ट फिंगर से इसे स्टार्ट करना है. शॉर्ट फिंगर से 1 2 3. सेकेंड डिजिट हमारी है 1. हमने यहाँ कर देना है 1. अब हमने जहाँ पर हमारा थंब है स्टार्ट हमने यहाँ से करना है. हमारा थंब जहाँ तक है वहाँ तक हमने काउंट करना है. 1, ये वाला हैंड जो हमने यूज करना है. जब काउंट करेंगे तो ना जो हमारा हैंड है, जो हमारा राइट हैंड है, हम उसको यूज करेंगे. 1 2 3 4. हम यहाँ देखेंगे हाउ मेनी नंबर्स? 4. स्टार्ट किससे करेंगे? 1. फिर हमारा टेंस के नीचे हमारा दे रखा है 5. क्या दे रखा है? 5. हमारा ये हैंड है, हैंड में हमारी लाइन्स दे रखी. थंब हमने यूज करना है. शॉर्ट फिंगर से स्टार्ट. 1 2, लाइन्स आपको दिख रही है? 3 4 5. सेकेंड डिजिट है हमारी 2. 1 2. अब हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7. हाउ मेनी नंबर्स? 7.
जहाँ तक हमारा थंब है। 1, 2, 3, 4, 5, 6
फिर टू और फाइव को जो टोटल करने से आपका सेवन आएगा, आप वो राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में। हाँ जी, थ्री सम्स हो गए, आप समझ में आ गया कि आपने क्या यूज करना है, अपना हैंड, और हैंड में आपने क्या दे रखी है लाइंस, यूज क्या करना है आपने थंब, नेक्स्ट है आपका बेटा फिर अपनी फिंगर पे थ्री काउंट करोगे, टोटल आपका आ जाएगा सेवन। फिर आप टेंस पे टू काउंट करोगे, फिर आप फाइव काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा सेवन। के बेटा, तो आपने ये डिजिट, आपकी दोनों डिजिट कंप्लीट हो गई, तो आपका ये भी सम्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी डिजिट करके।
फिर आप टू काउंट करेंगे, टोटल आपका हो जाएगा 8। फिर आप 5 काउंट करेंगे, फिर आप 3 काउंट करेंगे, टोटल आपका हो जाएगा 8। राइट डाउन करो 8। नेक्स्ट बेटा आपका है 3। हम एज इट इज दे देंगे, क्यों? क्योंकि बेटा जीरो का कुछ नहीं होता, नथिंग। जीरो का कुछ नहीं होता, थ्री का एज इट इज हम थ्री लिखेंगे क्योंकि हमारा लेना है जीरो। फिर हम काउंट करेंगे 2, 1, 2। फिर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। टोटल हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट हैंड करो बेटा। पहले आप 3 डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं, तो आप क्या करेंगे, 3 का 3 एज इट इज लिख देंगे। फिर आपका है 2, आप फिर 4 काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो आप राइट डाउन करो, तो आपका 63 आ गया बेटा। आपके आज के सम्स ऑफ एड 2 डिजिट जो हैं 6 हैं। तो आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके बेटा, तो आपने ये सम्स जो हैं अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, और आपने लाइंस यूज नहीं करनी, आप अपने थंब का यूज करेंगे। आपके थंब्स पे ये लाइनें दे रखी हैं, सबके थंब में आप यूज करोगे थंब का और स्टार्ट करोगे शॉर्ट फिंगर्स। क्लियर बेटा? क्या करोगे आप? यूज करोगे थंब का और स्टार्ट करोगे शॉर्ट फिंगर्स। बेटा आपने ये 6 सम्स करने हैं और 1 से स्टार्ट करना है, टेंस वाला नहीं लेना। पहले 1 वाले से स्टार्ट करोगे तब आप टेंस वाले डिजिट को टच करोगे। ओके, कंप्लीट योर वर्क।